अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। डिसेबल फेसबुक अकाउंट की प्रॉब्लम पूरे फेसबुक में इस वक्त इतनी ज़्यादा चल रही है कि हर बंदा इसी चीज़ की रिकवरी में लगा हुआ है कि हम अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं। और काफ़ी लोग यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन फिर भी वो रिकवर नहीं कर पाते। क्यों नहीं रिकवर पाते? क्योंकि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे वो अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक एक स्टेप, एक एक तरीका आपको बताऊंगा। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं मेरा अकाउंट रिकवर कर दो, मेरा अकाउंट रिकवर कर दो। हालांकि मैं हर वीडियो के शुरू में ये चीज़ लाजमी बताता हूँ कि ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तब आप मुझे मैसेज करें, तब मैं आपका अकाउंट रिकवर करके दूँगा। ऐसे अकाउंट रिकवर नहीं कर सकता। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो आप काइंडली मैसेज ना करें, क्योंकि इस तरह अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप अगर आपके पास हैं तो आप अपना डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं जीमेल अकाउंट, मतलब कि आपका अकाउंट अगर जीमेल पर बना है या फिर आपने अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर जीमेल ऐड किया हुआ है और वो आपके फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि हमने जीमेल के ज़रिए फेसबुक के साथ रابطہ करना है, ठीक है, इसलिए जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। कई भाई तो कहते हैं जी हमारी नंबर पे बनी है, जीमेल पे नहीं बनी हुई। तो नंबर पे बनी हुई है तो भाई नहीं रिकवर हो सकती। बार बार मैं नहीं समझा सकता आप सबको। तो वीडियो मैं आपको बस मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप मेरे साथ इंस्टा पर रابطہ कर सकते हैं। मैं इंस्टा से आपको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पर भी ले जाता हूं। काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे व्हाट्सएप पर भी आए हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही है और रिकवरी में मैं लगा हुआ हूं। दूसरा ये है कि अब रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ। रिक्वायरमेंट में जीमेल अकाउंट, आपका जो आईडी का प्रूफ है, आईडी के प्रूफ में दो चीज़ें होनी चाहिए। आपकी आईडी का जो फेसबुक अकाउंट का नाम है और आपके जो प्रूफ का नाम है, मतलब आईडी प्रूफ, मतलब कई लोगों को तो प्रूफ का भी नहीं पता। प्रूफ ये चीज़ के मतलब आईडी कार्ड हो गया, या फिर इंडिया में काफ़ी सारे जो हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उससे ये होगा कि वो आपका प्रूफ होगा आईडी का, और आपके जो प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपके फेसबुक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये दो चीज़ें और आपका जीमेल अकाउंट वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आपका अकाउंट बैक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो है ना 80% लोग जो हैं वो इसी तरह वीडियो देख के चले जाते हैं, इंस्टा पर आ जाते हैं। यार वीडियो देखते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। टाइम बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको एक अपील जो है अपील बनानी है। अपील आपने वो बनानी है कि जो आपके फेसबुक अकाउंट में प्रॉब्लम है, कितने अरसे से प्रॉब्लम चल रही है वो सारी आपने, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपने गूगल पर चले जाना है, गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने इस तरह रेंडमली जो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम पेश आ रही है, जैसे कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया, ये पता नहीं कैसे डिसेबल हुआ, इतना टाइम हो गया मैं बड़ी रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं रिकवर हो रहा, ये चीज़ें आपने वहाँ पर प्रूफ में सब कुछ जो अपील में वो लिखनी है, ठीक है। वो आपने एक अपील बना लेनी है। उसके बाद आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है जो आपके फेसबुक के साथ कनेक्टेड हो। रेंडमली मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट में लिख देना है भाई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल। ये लिखने के बाद साथ ही आपने लिख देना है योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, ठीक है। उसके बाद जो अपील आपने बनाई है वो यहाँ पे नीचे आपने पेस्ट कर लिया है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ हेलो सर इट्स माय रियल अकाउंट, यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर लेनी है। अब मेल आपने सेंड किसको करनी है, ठीक है। प्रूफ यहाँ ऊपर से आपने से क्लिक करके यहाँ से अटैच फाइल पे क्लिक करके आपने प्रूफ सेलेक्ट करना है। प्रूफ क्योंकि लाजमी है, प्रूफ आप सेलेक्ट करेंगे। मेल आप इस मेल के ज़रिए फेसबुक रिव्यू ले रहे हैं और इसमें आपने किसी किस्म की अपील में आपने किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये अब मैं आप ये आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके। ये पूरी चीज़ आपने एफ़ से लेके यहाँ तक लास्ट तक आपने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी जब ये देख सकते हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मैंने जो है ना रिमूव कर दिया। अब ये देखना मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से प्रूफ सेलेक्ट करके सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद फेसबुक तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर रिव्यू ले रहा है, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, तकरीबन 2 वीक्स तक जो है ना इसका
प्रॉब्लम है कि 2 वीक्स तक ये रिव्यू ले रहे हैं, 2 वीक्स आपको लग सकते हैं। ये नहीं कि आपने जैसे ही अपील सेंड की तो आप 2-3 दिन बाद मैसेज करना शुरू हो गए कि नहीं जी हमारा अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, ये है वो, हमें मेल नहीं आई। तो आपने 2 वीक्स तक इंतज़ार करना है। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा फेसबुक की तरफ से। फेसबुक को अगर मज़ीद आपकी वेरीफिकेशन चाहिए तो वो आपको बताएगा, या फिर आपका अकाउंट एक्सेस आपको देगा या नहीं देगा प्रॉपरली, वो आपको ईमेल में आपको बताएगा कि ये मसला, इस वजह से हम आपका अकाउंट जो एक्सेस नहीं कर रहे। तो इस तरह आपको प्रॉपर डिटेल्स बता देगा। अगर आपने अपना प्रूफ रियल दिया, आपने डेट ऑफ बर्थ और आपके आईडी अगर रियल हुई, तो 100% आपका अकाउंट आपको बैक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग पेड अगर अपना अकाउंट जो है रिकवर करवाना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करें मुझे, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ले जाके आपको बता दूंगा कैसे आप डील करके आपका अकाउंट मैं रिकवर करूँगा। तो फिर आ जाऊँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।